आज क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ जाएंगे सीएम योगी, विक्टोरिया पार्क में शहीदों को करेंगे नमन, मेरठ में शहीदों के स्थली पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मेरठ में ट्रांसिस हॉस्टल का कार्य देखेंगे सीएम योगी, 1857 विद्रोह के नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर चौक पर जाकर करेंगे माल्यार्पण। इंटीग्रेटेड यातायात मैनेजमेंट सिस्टम का भी सीएम योगी करेंगे निरीक्षण, विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर करेंगे समीक्षा बैठक। रैपिड रेल परियोजना और मेट्रो कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी, कॉरिडोर स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का भी लेंगे जायजा। आज होगी योगी कैबिनेट की मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों को लेकर मिलेगी मंजूरी, विधानसभा के बजट सत्र की तारीख की हो चुकी है घोषणा, हो सकती है घोषणा। 3 जून को होगी योगी सरकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 70,000 करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव, पीएम मोदी के आने की संभावना। ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका पर आज फिर से होगी सुनवाई, मसले पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की नियत पर उठाए थे सवाल, आज अगले सर्वे की तारीख पर भी फैसला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद, ज्ञान व्यापी विवाद बढ़ने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञान व्यापी के बाद मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुआ प्रार्थना पत्र, काशी मामले के आदेश के साथ दिया गया पत्र, मामले में आज होगी सुनवाई। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका दाखिल पर आज हो सकती है सुनवाई, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर याचिका, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग। स्टाफ नर्स की भर्ती का दोबारा विज्ञापन जारी करने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार और लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया, 22 जुलाई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी ने ईडी ने 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की, अफजल अंसारी ने लगाया सरकार के इशारे पर कार्रवाई का आरोप। नोएडा में जियोटेक प्रमोटर्स पर कार्रवाई, बकाया रकम नहीं देने पर ऑफिस सील, जियोटेक का करीब 3 करोड़ रुपए बकाया। अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल आज, न्यायिक कार्य नहीं करने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के वकील, मामलों की लिस्टिंग में अनियमितता को लेकर हड़ताल। यूपी रोडवेज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 65 साल तक संविदा पर रहेंगे कंडक्टर, संविदा कंडक्टर्स की 5 साल की बड़ी नौकरी। यूपी के प्रशासनिक बैंक में भी आज हो सकता है बड़ा बदलाव, देर शाम तक आईएएस अफसरों के तबादले की जारी हो सकती है सूची, सूची में 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारी के नाम। जनता को मिलने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा, एक्सप्रेसवे का 94% का पूरा 20 जून तक पूरा होगा काम। सीएम योगी के निर्देश पर जन आरोग्य मेला जारी, अब तक 1,01,19,832 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। एटीएस के पूछताछ में तलहा को लेकर बड़ा खुलासा, बांग्लादेशी अब्दुल्ला के संपर्क में था तलहा, टेलीग्राम ग्रुप में आते थे जिहादी वीडियो। अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट मामले में आज रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई, 2 पासपोर्ट रोकने के मामले में दर्ज मुकदमा, कोर्ट में मंजूर हो चुकी है अब्दुल्ला की जमानत। ईद पर स्कूल में कुर्ता पैजामा और टोपी ड्रेस कोड का विवाद, प्रयागराज के न्याय नगर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की उठी मांग। बैंकों की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज पुलिस मुस्तैद, सभी थाना क्षेत्रों में निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरों अलार्म को रनिंग मोड में रखने के निर्देश। बिजनौर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बस पलटी, बस का पहिया निकलने से खेत में पलटी बस, बाल बाल बचे बस सवार छात्र, बस में सवार थे 35 छात्र। मेरठ की जेल में कैदी कर रहे गायत्री मंत्र का पाठ और हवन, पूजा पाठ से जेल का माहौल शुद्ध रखने की कोशिश, कैदियों को दी जा रही नई दिशा। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते वर्चस्व की लड़ाई में युवक की मौत का मामला, पुलिस ने किया है वारदात का खुलासा, युवक की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। बरेली के सदर तहसील में घूसखोरी का मामला शासन स्तर तक पहुंचा, तहसीलदार और अर्दली के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। गाजीपुर में यूनियन बैंक के ब्रांच में चोरी, छत और लॉकर को काटकर चोरी हुई है, पुलिस ने दिया जानकारी, चोरों ने कोर्ट के 4 लॉकर बैंक। रायबरेली में दहेज देने के लिए हत्या करने के आरोपी पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी घर की कुर्की की। अम्बेडकर नगर में 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का आरोप, शादी समारोह में आए युवक पर हैवानियत का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
झांसी में शादी से पहले युवती का किडनैप, दतिया से युवती को पुलिस ने किया बरामद, शादी के कार्ड बांटने गई युवती का हुआ था किडनैप। ट्विन टावर गिराने के लिए बढ़ाए गए विस्फोटक की मात्रा, ट्रायल ब्लास्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर करीब 700 किलो बढ़ाए गए विस्फोटक की मात्रा। नोएडा में गन पॉइंट पर करेक्शन एजेंट से 6 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस के आला अधिकारी ने जांच शुरू की। जौनपुर में स्कूल के क्लासरूम में फंदे से लटका मिला 8वीं के छात्र का शव, परिजनों में मचा कोहराम, प्रिंसिपल ने कहा स्कूल नहीं आया था छात्र, पुलिस ने शुरू की जांच। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाशों के पैर में लगी गोली, राजनगर एक्सटेंशन में हुई मुठभेड़। गाजियाबाद के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर कुएं में फेंका, शादी के 10 साल बाद भी बच्चा ना होने से पति ने क्या किया। जालौर में सराफा व्यवसाय के घर, 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी की डकैती, सीसीटीवी को घुमाकर दिया वारदात को अंजाम, कैश कटर से गेट काटकर ज्वेलरी की दुकान में घुसे चोर। मुजफ्फरनगर के इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड में शक्ति के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद अरुण सागर, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर सख्त तेवर दिखाते नजर आया अरुण सागर। हमीरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान घायल हुआ युवक, लाइसेंस से बंदूक से युवक ने शादी समारोह के दौरान की थी फायरिंग। मेरठ में अवैध निर्माण पर सबसे बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर गर्जी एमडीए के 16 बुलडोजर, गौतस्कर अकबर बंजारा के संपत्ति पर डाला बुलडोजर। अलीगढ़ में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस ने एएमयू के 9 छात्रों समेत 17 युवकों को पकड़ा, पुलिस ने बरामद किया हजारों की नकदी। मुजफ्फरनगर से 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, खून से लथपथ मिला है शख्स का शव, हत्या से इलाके में सनसनी। हाथरस की टायर फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और अयोध्या में सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद न होने से अधिकारी परेशान, अप्रैल तक चंद किसान की सरकारी दुकानों पर गेहूं बेचने पहुंचे। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश, तमंचा कारतूस और चोरी के 3 बाइक बरामद। रुड़की रेल स्टेशन अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र, धमकी के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध, यात्रियों की हो रही चेकिंग। बागपत में बदमाशों ने की जूता व्यापारी के साथ मारपीट, बदमाशों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में एटीएम हैकर को भीड़ ने पीटा, 2 युवक कर रहे थे एटीएम से छेड़खानी, गार्ड के टोकने पर भाग रहे थे युवक। प्रयागराज में बिजली विभाग के जेई को बार बालाओं संग ठुमके लगाना भारी पड़ गया, विभाग ने जेई आरपी रिचर को किया सस्पेंड। झांसी में ट्रांसफर में लगी आग के चपेट में आने से युवती की झुलसी है, रास्ते से गुजर रही थी युवती। फरुखाबाद में खुशी का माहौल, मातम में तब्दील हुआ, बिजली का करंट लगने से दूल्हे की मौत हुई। पीलीभीत में छेड़खाने के विवाद में आरोपी ने किया एसिड अटैक, एसिड अटैक में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर, छेड़खाने के मामले में हो चुके 3 लोगों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में मकान गिरने से दबे कई मजदूर, लोनी थाना इलाके के रामपार्क में गिरा मकान। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में शख्स ने किए आत्मदाह के प्रयास, लव जिहाद के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत, 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। फतेहपुर में पीआरवी के सिपाही के डांस का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे पीआरवी के सिपाही। सीएम योगी की तर्ज पर सीएम धामी का कन्ना लॉन्च, गाना है लॉन्च, हर के पैड़ी पर कन्हैया मित्तल ने की है सीएम धामी की तारीफ। गंगा सप्लाई पर गंगा महोत्सव का समापन कार्यक्रम था आयोजित। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने किया है जीत का दावा, उत्तराखंड की धामी सरकार पर साधा निशाना, बोले कि सरकार के विकास के वादे हैं कार्य। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का हल्द्वानी के दौरा, आज निजी स्कूल संचालकों के साथ करेंगे मीटिंग, चिकित्सा विभाग के अधिकारी के साथ भी करेंगे बैठक। दिल्ली के शाहीनबाग में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, सखित लोगों ने खुद ही हटाए शटरिंग।
आप विधायक अमनतुल्ला खान के खिलाफ शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एमसीडी ने की शिकायत। बुलडोजर का विरोध करने वालों पर बीजेपी का हमला, कहा कि आप और कांग्रेस सांप्रदायिक रंग दे रही है, बुलडोजर पर धर्म देखना बंद करें। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने लहराया तिरंगा, तिरंगा लहराकर बुलडोजर का क्या विरोध। शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद अतिक्रमण को हटाया, फर्नीचर दुकानदारों ने फुटपाथ पर रखे सामान हटाए। शाहीन बाग मामले सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम को लगाई फटकार, कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का मंच न बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहां न आए। फटकार के बाद सीपीएम ने वापस दी याचिका। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, आरपीजी का किया गया इस्तेमाल। खुफिया विभाग की इमारत की तीसरी मंजिल पर फेंका गया ग्रेनेड, धमाके में किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूटे। हमले के तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। घटना की सूचना मिलते ही सीएम मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली। पीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, डीजीपी ने जांच के लिए गठित की साइबर सेल की टीम। पीपीएससी पेपर लीक मामले पर सियासत गरमाए, तेजस्वी ने सिस्टम पर उठाया सवाल, कहा कि छात्रों को मुआवजा दे सरकार, सीएम बोले दोषी लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोटा थर्मल पावर प्लांट के स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, की ऊंची ऊंची लकड़ों से मचा हड़कंप। रूस के सैन्य टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हवाई हमले में तबाह हुआ रशियन टैंक, धमाके की तस्वीरें आई सामने। खार्किव में रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, रशियन सैन्य सामान और हथियारों को किया नष्ट, धूधो करके जले रूस के सैन्य उपकरण। यूक्रेन के मरीन बटालियन ने रूस के खिलाफ संभाला मोर्चा, रूस के टैंक पर ड्रोन से गिराए गोला बारूद, यूक्रेन ने जारी किया हमले की तस्वीरें। डोनेट्स्क के कई शहरों में भारी हमलों की तैयारी, रूसी सेना के लड़ाकू विमान लगा रहे गश्त, इलाके में हड़कंप। पोलैंड में रूस के राजदूत पर हमला, हमलावरों ने राजदूत के चेहरे पर लाल रंग का पेंट फेंका, सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त हमला हुआ। यूरोप में विक्ट्री डे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा जल्द 2 विजय दिवस मनाएगा यूक्रेन, हम अपने बच्चों की आजादी के लिए लड़ रहे, हमारी जीत निश्चित। मरियोपोल के अजुवत स्टील प्लांट से रेस्क्यू किए गए 175 नागरिकों को जियोपुरिजिया पहुंचाया गया, पिछले 10 दिनों में 600 से ज्यादा लोग मरियोपोल से सुरक्षित बाहर निकाले गए। मरियोपोल के अजुवत स्टील प्लांट पर भारी बमबारी जारी, अभी स्टील प्लांट में फंसे हुए कई यूक्रेनी नागरिक। जेलेंस्की ने G7 देशों के नेताओं के साथ की वर्चुअल बैठक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लुहांस्क में स्कूल पर बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने के बाद भी कही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, युद्ध में तबाह हुए यूरोपियन शहर का किया है दौरा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कीव में खोला कनाडा का दूतावास, दूतावास बिल्डिंग पर कनाडा का झंडा भी फहराया। कीव में अमेरिकी दूतावास में लौटे अमेरिकी राजनयिक राजनयिकों के अस्थायी यात्रा, अभी कीव में नहीं खुला है अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन यूक्रेन पहुंची, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी के साथ किया स्कूल का दौरा। आयरिश रॉक बैंड U2 के 2 सदस्यों का यूक्रेन दौरा, युद्ध में तबाह हुए शहरों का किया मुआयना, साथ ही कीव के मेट्रो स्टेशन पर भी किया कॉन्सर्ट। ओडिशा में हवाई हमलों के बाद तबाही का मंजर, शहर के रिहायशी इलाकों में भी मारते हुए खंडहर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो को किया सम्मानित, युद्ध के दौरान डॉग ने कई विस्फोटकों की खोज कर लोगों की जान बचाई थी। अमेरिका का रूस पर प्रचंड प्रहार, अमेरिका ने अब तक लगभग 2600 से ज्यादा रूसियों को वीजा देने से किया इनकार, रूस के 3 सरकारी चैनलों पर भी लगाया बैन। यूरोप डे पर यूक्रेनी झंडे के रंग से रोशन हुआ ब्रसेल्स मुख्यालय,
ईयू ने कहा हमारी इमारतें यूक्रेन के झंडे के रंग में चमक रही। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के किरदार में आएंगे नजर। जानवी कपूर और राजकुमार राव ने शुरू किए हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग। फिल्म में महेंद्र और महिमा का किरदार निभाएंगे राजकुमार राव और जानवी कपूर। बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे शहनाज गिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज गिल सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा के साथ फिल्म में आएंगे नजर। पंचायत 2 वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में धमाकेदार कॉमेडी। 20 मई को रिलीज होगी फिल्म। केजीएफ चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। हिंदी डब में 425 करोड़ रुपए की तरह बढ़ रही है फिल्म की कमाई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता की शानदार जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को 52 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बुमराह ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 9 गेंदों में झटके 5 विकेट। बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बावजूद हार गए मुंबई इंडियंस। आज लखनऊ सुपर जॉइंट से भिड़ेंगे गुजरात टाइटंस। दोनों टीमों के बीच में शाम 7:30 बजे होगा मैच। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का जीत के साथ आगाज। ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने पूर्व चैंपियन रही चेन येन चिन को हराया। एशिया कप तीरंदाजी में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय जूनियर तीरंदाजी में 2 गोल्ड समेत 6 मेडल्स पक्के कर लिए।